हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रतीक हियर और आज है 14th जून एंड एज मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग बाय माय इंस्टा स्टोरीज कि मैं स्पीति जा रहा हूँ। तो स्पीति जाने के लिए अपनी R15 मैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए गति ऑफिस आया हुआ हूँ और यहाँ से करीब एक हफ्ता लगेगा ट्रांसपोर्ट होने में। तो इसीलिए आज भेज रहे हैं क्योंकि 22nd हम लोग दिल्ली से मोस्टली स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम जब मैं लेह लद्दाख और K2 के लिए गया था तो मैंने बाइक अपनी VRL केज ट्रांसपोर्ट से भेजी थी एंड काफ़ी लोगों ने बोला था वो बहुत महंगा है। एक्चुअली महंगा था, मुझे भी महंगा लगा था, 11,000 में गई थी। पर इस बार मैं सोच रहा था कि कुछ थोड़ा अफोर्डेबल ऑप्शन ट्राई करता हूँ, तो दैट इज़ वाई हम लोग ने गति चूज़ किया है। एंड मेरे साथ में कुछ लोग जा रहे हैं जिनको मैं आराम से इंट्रोड्यूस करूँगा बाद में। पर पीछे एक FZ पैक हो रही है, एक थंडरबर्ड पैक खड़ी हुई है, उसके अलावा बाकी की बाइक्स उस तरफ खड़ी हुई है, दिखाता हूँ अभी। तो इसमें क्या कॉस्टिंग पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने दिन लगेंगे, बाइक सेफली पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो ये सारी डिटेल्स के लिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो ये बाइक के मिरर्स निकाल के यहाँ पे पैक कर दिए गए हैं और फ्यूल खाली कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्यूल है मेरी बाइक में। तो नॉर्मली 0.5 लीटर तक चलता है ना, बोल रहे थे 0.5 लीटर तक चलता है, बट वैसे तो खाली करके ही भेजते हैं। ये अपनी बाइक की पैकिंग शुरू हो गई है, करीब 1.5 घंटा लगेगा जितनी ज़्यादा पैकिंग होनी है इसमें, दिखाता हूँ सब डिटेल्स में। तो ये फर्स्ट लेवल रैपिंग हो गई है, उसके ऊपर से अभी कार्डबोर्ड डालेंगे। अब कार्डबोर्ड पैक है वो ऊपर से, ठीक है काफ़ी। तीनों बाइक पैक हो गई हैं, पैकिंग मस्त लग रही है, दिखा दे एक बार घुमा के भाई। ये देवू की FZ25 नई बाइक, जस्ट रनिंग पीरियड कंप्लीट किया है, 1,000 किलोमीटर चली है ये बाइक। ये अपनी R15 बस पैक है सॉलिड हर तरफ से, सब एकदम पैक है, सब कुछ एकदम मस्त पैक है। ये यश की थंडरबर्ड और इसके अलावा जो दो बाइक्स है वो चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो वो अंदर खड़ी हुई है। ये है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एक RC की फोटोकॉपी, एक ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी और एक इंश्योरेंस की जेरोक्स, ये तीन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत लंबा फटका लग गया है, 5 बाइक्स का पेमेंट किया है अभी यहाँ पे, बट कितना बिजनेस दिया आपको, डिस्काउंट दीजिए, मेरा बाइक फ्री में जा रहा है भाई। ओके, तो जस्ट टू टेल यू, ये मुनिराज सर हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन यहाँ की मैं डाल दूंगा। GM पालिया में है ना, GM पालिया में गद्दी का ऑफिस है, इसकी लोकेशन और मुनिराज सर का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा। इफ यू गाइस वांट टू ट्रांसपोर्ट योर बाइक यू कैन कम हियर। एंड जो कॉस्टिंग पड़ी है वो बता देता हूँ, 6,000 इंक्लूडिंग पैकिंग फॉर दिल्ली, और चंडीगढ़ की कॉस्टिंग है 7,000 रुपीज। तो ये लास्ट टाइम VRL से मैंने इस पर स्विच किया है, लेट्स सी सब कुछ ठीक होता है, देखेंगे। बाइक पैक हो रही है बाहर, मस्त हो रही है, दिल्ली पहुंच के पता लगेगा बाकी सब कुछ कैसा है। कैमरामैन ट्रिप एंड ट्रैक के साथ मैं हूं प्रतीक। बाइक बहुत मस्त पैक हुई है, R15 लगी नहीं रही है वो अभी, लेट्स सी। पैकिंग तो बहुत अच्छी है, कितना सेफली दिल्ली पहुंचेगी और कितने दिन में पहुंचेगी, ये सारी डिटेल्स एक बार दिल्ली पहुँच जाए जब अनबॉक्स करूँगा तब दिखाता हूँ। सी यू इन दिल्ली। तो अभी हम लोग मोक्तिक्या पहुंच गए हैं और हमारी बाइक्स भी यहीं पर ट्रांसपोर्ट होके आई हैं, तो बाइक अनपैक करता हूं, लेट्स सी कि बाइक सब कुछ ठीक ठाक पहुंची है कि नहीं, क्योंकि इस बार गति से ट्रांसपोर्ट की थी, एज आई टोल्ड लास्ट टाइम VRL से किया था। तो ये खड़ी हुई है बाइक्स, ये मेरी R15 खड़ी हुई है, वो FZ25 खड़ी हुई है देबू की, और थंडरबर्ड अनपैक हो चुकी है, थंडरबर्ड सब कुछ सही सलामत है, मस्त एकदम वो खड़ी है थंडरबर्ड। तो अभी इसको खोलता हूँ, अच्छा नहीं था, तो अभी इसको अनपैक करते हैं, एक बार देखता हूँ, होपफुली सब कुछ ठीक हो, क्योंकि अभी 5 बज रहा है और हम लोग को यहाँ से 1 घंटे के अंदर अंदर निकलना है। ओके, तो ये 4-5 लोगों की मेहनत से सिर्फ 5 मिनट के अंदर दोनों बाइक्स अनपैक हो गई हैं। एक बार हर तरह से दिखाता हूँ, बाइक एकदम मस्त है, कोई भी इशू नहीं है बाइक में, एकदम परफेक्टली ट्रांसपोर्ट हुई है,
स्टार्ट करके नहीं देखिए, गौरांग घटी उधर इंडिकेटर्स एंड ऑल सब कुछ सही है एकदम। ये भी ठीक है, इधर भी ठीक है, हाँ सब मस्त है। FZ भी एकदम सही आ गई है, वही मिरर्स फिट कर रहा है उसमें। कुछ हुआ नहीं ना भाई इसमें भी? हाँ स्क्रैचेस नहीं है, तो टेप के निशान है जो है वो हट जाएंगे। पानी से हटाते हैं अभी। ओके बाइक स्टार्ट भी मस्त हो गई है, तो सब कुछ ठीक है बाइक में। ट्रांसपोर्ट भी सही हुई है, कोई स्क्रैचेस नहीं है, कुछ टूटा नहीं है, और स्टार्ट भी मस्त हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक में। तो बाइक से एकदम मस्त परफेक्टली ट्रांसपोर्ट हो गई है। तो जो सोचा था कि VRL में लास्ट टाइम हम लोग के 11,000 लगे थे, इस बार गति ट्राई किया था एंड गति से 6,000 रुपीज़ में परफेक्टली ट्रांसपोर्ट हो गई है बाइक विदाउट एनी इशू। तो दिस इज़ एन ऑल्टरनेट। काफ़ी लोग पूछ रहे थे मेरे से कि VRL की जगह किसी और से भेजनी है तो किससे भेजनी है। तो गति एंड गति में भी मैंने जो एड्रेस दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस एड्रेस से कराइए, क्योंकि बहुत ही अच्छी पैकिंग की थी उन्होंने, मुनिराज सर जो थे, और बहुत सेफली बाइक्स और विद इन टाइम पहुँच गए। हम लोगों ने बाइक्स ट्रांसपोर्ट की थी फ्राइडे को, ड्रॉप की थी वहाँ पे गति में इंदिरा GM पालिया में, एंड वेंसडे को मेरे को अपडेट आ गया था वेंसडे को सुबह कि बाइक्स डिलीवर हो गई हैं। तो दैट वाज वेरी क्विक, 5th डे बाइक्स आराम से पहुँच गई थी फ्राइडे नाइट निकल के। तो 5 दिन में बाइक पहुँच भी गई, 6,000 में पहुँच गई, ऑलमोस्ट हाफ द रेट जो लास्ट टाइम मैंने पे किया था, और बाइक एकदम सेफली पहुँच गई है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ यू गाइज फाउंड द वीडियो यूजफुल प्लीज़ डू शेयर इट, इट बी रियली हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। और बाकी तो स्टे ट्यून्ड फॉर स्पीति सीरीज़। आज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से डेलहाउजी के लिए और सच पास होते हुए स्पीति जाएंगे। तो काफ़ी सारी बाइक्स हैं, FZ है अपनी, थंडरबर्ड है, उसके अलावा एक सरप्राइज बाइक भी है जिसका वीडियो अलग से पड़ा हुआ है, वो वीडियो चेक कर लेना, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर स्पीति सीरीज़। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल, लेट मी नो इन कमेंट्स हाउ वॉज द वीडियो, इफ़ यू लाइक डिट प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन, बाय बाय, लव यू ऑल, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।